वेलकम टू द न्यू ब्लॉग गाइस। तो आज गाइस दिखाएंगे मैं आप लोगों को विलेज स्टाइल का चिकन कैसे बनाता है और एकदम देसी प्योर देसी स्टाइल में कैसे बनाता है। तो आप लोग ब्लॉग के साथ बने रहना। ये गाइस आप लोग देख सकते हैं, इसमें 700 ग्राम चिकन है। ये लहसुन दिया, कम से कम इतना इतना बड़ा लहसुन कम से कम दो लगेगा। और अदुआ है इसमें, थोड़ा सा लगेगा अदुआ, मीडियम साइज़ का 5-6 प्याज लगेगा। और ये देख सकते हैं ये मिर्चा है। और ये आलू को भी फ्राई करना पड़ेगा। इसमें गाइस धोने से पहले ये थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए आप लोगों को, इसमें ना पहले अच्छा से धोना पड़ेगा ये मीट को, अच्छा से धो के उसके बाद गर्म पानी देना चाहिए। एकदम गर्म पानी करके उसको अच्छा से धोएगा तो क्या होगा, उसका जो गन होता है ना गाइस, वो गन हट जाएगा। उसके बाद गर्म पानी दे के धोने के बाद उसके बाद थोड़ा सा नींबू देना पड़ेगा। नींबू देने से ये जो इसका जो बैड स्मेल होता है गाइस, ये मीट का जो बैड स्मेल होता है वो चल जाता है। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं गाइस, मैं थोड़ा बहुत नींबू दिया, उतना ज़्यादा तो नहीं दिया, थोड़ा दिया। तो नींबू दे के उसके बाद अच्छा से ठंडा पानी से धोने के बाद ये इसका जो स्मेल है बैड स्मेल वो चल जाता है। तो गाइस अभी आलू को फ्राई करना पड़ेगा, थोड़ा ऑयल दे दे रहा हूँ, मस्टर्ड ऑयल। ये देख सकते हैं गाइस आलू दे दिया। इसमें क्या देगा गाइस आप लोग देख सकते हैं, छोटा सा स्पून का 2 स्पून हल्दी, 2 स्पून जीरा पाउडर, 2 स्पून धनिया पाउडर और 2 स्पून नमक, ये सब हम दे देंगे मीट का भीतर। उसके बाद ये भी दे देंगे, ये मिर्चा को भी दे देंगे। देने के बाद ये अदुआ है, ये अदुआ भी दे देंगे गाइस। अदुआ देने के बाद अब ये मस्टर्ड ऑयल भी दे देंगे। ये देख सकते हैं मस्टर्ड ऑयल थोड़ा लगेगा, ज़्यादा एकदम ज़्यादा नहीं, जैसे 50 ग्राम जैसे लगेगा। अच्छा से मिक्स करना पड़ेगा गाइस इसको, एकदम बढ़िया तरीके से मिक्स करके उसको रख देना पड़ेगा। लगभग आधा घंटा जैसे रख देगा तो और भी टेस्ट होता है गाइस बाद में जाके। थोड़ा सा प्याज भी देना पड़ेगा, प्याज तो हम फ्राई करते टाइम पर दे देंगे, फिर भी थोड़ा तो दे दे रहे हैं इधर। इसको अभी आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे गाइस। आलू फ्राई हो गया गाइस, अभी थोड़ा दे देंगे मस्टर्ड ऑयल, और थोड़ा मस्टर्ड ऑयल दे देंगे। और ये देख सकते हैं गाइस, ये दालचीनी, ये इलायच, ये लवंग, और क्या क्या है भीतर में, गोलमरीच और ये वाइट जीरा, ये अभी दे देंगे। ये देख सकते हैं गाइस मैं दे दिया। देने के बाद गाइस इसको देने के बाद क्या करना पड़ेगा, ये वाइट जीरा भी दे देना पड़ेगा, सादा जीरा। उसके बाद गाइस ये जो कटा हुआ प्याज ये दे देना पड़ेगा, ये देख सकते हैं गाइस जबरदस्त खुशबू आ रहा है गाइस, ब्राउन कलर जब होगा तब मज़ा आएगा। इसका जो खुशबू होता है ना गाइस, ये और छोड़ता है, बढ़िया तरीके से छोड़ता है। मस्टर्ड ऑयल थोड़ा कम हो गया, और थोड़ा दे देना चाहिए। अभी गाइस ये जो है ना, ये लहसुन, इसको थोड़ा सा पेस्ट किया। लहसुन देखिए अच्छा से फ्राई करना पड़ेगा गाइस पूरा। इसका भी ब्राउन कलर हो गया। अब भी हम दे देंगे मीट। ये गाइस देख सकते हैं टोटल मीट अभी इसका ऊपर छोड़ देगा, ये देख सकते हैं गाइस, ये देख सकते हैं गाइस क्या खुशबू आ रहा है गाइस जबरदस्त। कम से कम 15 मिनट तक इसको ऐसे ही थोड़ा हीट बढ़ा के ऐसे ही चलाना चाहिए गाइस। ये गाइस आप लोग देख सकते हैं कलर देखिए आप, एकदम बढ़िया कलर हुआ गाइस मीट का, और क्या खुशबू आ रही है, जबरदस्त खुशबू आ रही है गाइस। ये 25 मिनट तक मैंने पकाया, 25 मिनट तक इसको हम फ्राई किया गाइस। अभी दे देगा पानी, ये देख सकते हैं गाइस मैं पानी दे दिया, अभी ज़्यादा नहीं, पानी दे के फिर इसको ढक के रखना पड़ेगा 10 मिनट तक।
तो गाइस देख सकते हैं ये 20 मिनट बाद का हालत कैसा हुआ। तो गाइस फाइनली कंप्लीट हो गया। तो ये देख सकते हैं गाइस क्या ज़बरदस्त कलर हुआ और खुशबू क्या बढ़िया आ रहा है गाइस। ये देख सकते हैं चिकन, ये देख सकते हैं गाइस क्या ज़बरदस्त कलर हुआ। थोड़ा सा टेस्ट करना पड़ेगा गाइस कैसा हुआ, कैसा टेस्ट हुआ गाइस। ये पहले आप लोग लीजिए, मैं एक बार चखे देखूं कैसा टेस्ट हुआ। गजब का बार गाइस, बहुत टेस्ट हुआ। तो गाइस आप लोग घर में टेस्ट करना एक बार, कोई ना ना कोई जो मुर्गा का जो सेंट होता है ना गाइज, मीट का जो सेंट होता है वो सेंट नहीं है। बहुत सारे मीट में गाइज थोड़ा बकवास सेंट होता है जब ऐसे बाइट लेता है ना उस टाइम, लेकिन इसमें कुछ नहीं है क्योंकि मैं नींबू दिया, गर्म पानी से मैं धोया